हैंड्स ऑन स्टॉप मोशन एनिमेशन। तो ये सेशन के लिए आप लोगों के साथ मैं ही जुड़ी हूँ, ये सेशन जो है वो मैं ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस जो सेशन में हम लोग तो इस सेशन में हम लोग एक टूल के बारे में, एक सॉफ्टवेयर ऐप के बारे में जानेंगे कि ऐप से हम कैसे इसको जो हमारे एनिमेशन है इसका एक फॉर्म है स्टॉप मोशन एनिमेशन, तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऐप का नाम है स्टॉप मोशन स्टूडियो। वो मैं अभी आपके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। तो हम ये एनिमेशन क्या है और कैसे एनिमेशन की क्या एनिमेशन बनाने का प्रोसेस क्या है, एनिमेशन की कोई भी एनिमेशन वीडियो जो हम बना रहे हैं उसकी क्या पावर क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमने प्रीवियस सेशन में हमें आयुष सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन भी विद एग्जांपल उन्होंने हमें समझाए थे, दिखाए थे, और उनका डिफरेंस भी बताया था कि क्या डिफरेंस है इसमें। और उन्होंने स्टोरी बोर्डिंग के बारे में बताया था कि स्टोरी बोर्डिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। तो उन्होंने कंप्लीट एक प्रोसीजर हमें, एक हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने हमें दी थी कि एनिमेशन क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि एनिमेशन के बहुत डिफरेंट टाइप होते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या होता है और हम कैसे एक ऐप के थ्रू कैसे हम कुछ मिनट्स में एनिमेशन वीडियो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैम, ये फ्री ऐप है क्या? हाँ, ये ऐप जो है वो फ्री एंड ओपन सोर्स में आता है, लेकिन अभी इसमें जैसे कि कुछ ऐप्स होती हैं तो उसमें कुछ इसके कुछ जो फीचर्स हैं वो अभी इन्होंने एडवांस जो फीचर होते हैं उसके वो उन्होंने उसको प्रीमियम पेड में किए हुए हैं, लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। और हमें अगर कोई रिसोर्स बनाने हैं तो हम बेसिक फीचर्स के साथ भी बना सकते हैं। मैम, स्टॉप मोशन डाउनलोड नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं जब कैन यू सेंड लिंक? इंस्टॉल करने के बाद जब मैं उसको एक्टिवेट करना चाह रही हूँ ना, तो उसमें वो पूछ रहा है कि आपका वो 10 या 20 डिजिट का कोड डालना हो। सो प्लीज सेंड द लिंक ऑफ फ्री वर्जन। मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन में आगे मूव करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आप एक बार देख लेंगे तो आपको आसानी से आप उसको देख पाएंगे कि आप सही ही ऐप डाउनलोड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या मैं मूव करूँ आगे प्रेजेंटेशन को? यस मैम। ठीक है। तो स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या होता है? स्टॉप मोशन एनिमेशन एक ऐसी टेक्निक होती है कि जिसमें कोई भी हमें स्टिल इमेजेस, स्टिल फोटोज जो होती हैं उसमें हमें मोशन फील होता है। हम उन फोटोग्राफ्स को, मूवीज क्या होती है, मूवीज में मोशन हमें केवल फील होता है, एक्चुअल में मूवीज में जो होता है वो मूविंग नहीं होती है, वो स्टिल फोटोग्राफ्स होते हैं जिसको हम एक सीक्वेंस में अगर प्ले करते हैं तो हमें उसमें मोशन का फील होता है, मोशन का इल्यूजन होता है। वही एक
वो हमारा एनिमेशन होता है। तो इसमें हम कोई रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसमें हम फोटोग्राफ्स को क्लिक करते हैं और उसको जिस सीक्वेंस में हमको कुछ मूवी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी बोर्ड्स, उस सीक्वेंस में उसको हम प्ले करते हैं और हमारी जो तो हमें एक मोशन की फीलिंग होती है, हमें लगता है कि हमने जो फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं दे आर मूविंग। तो हमें वो एक मोशन का एक हमें इल्यूजन होता है, मूवमेंट हमें फील होता है, तो उसको ही हम एनिमेशन कहते हैं और इसे ही हम स्टॉप मोशन एनिमेशन कहते हैं। स्टॉप मोशन एनिमेशन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसकी हमने पिक्स क्लिक की किसी भी एक्शन में और उसको हमने सीक्वेंस में प्ले किया। तो अगर हम ये, अगर कोई भी एनिमेशन हम ऑब्जेक्ट को यूज करके बना रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन होता है। जब हम क्ले को यूज करते हैं अपने एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए तो वो हमारा क्ले मोशन होता है। जब हम पेपर कटआउट्स का यूज करते हैं, जो अभी हम आगे मैं आपको दिखाऊंगी डेमोन्स्ट्रेशन में, वो पेपर कटआउट का उसमें यूज किया गया क्योंकि बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। पेपर्स तो हर किसी के पास घर में अवेलेबल होता है या स्कूल्स में अवेलेबल होता है और ये बच्चे के लिए भी इजीली अवेलेबल होता है। तो हम पेपर कटआउट्स का भी यूज करके हम लोग जो हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं उसको हम कटआउट मोशन एनिमेशन कहते हैं। और पपेट, जब हम किसी भी टॉय या पपेट्स को यूज करते हैं तो वो हमारे पपेट एनिमेशन होते हैं। ये बहुत सारे टूल्स हैं, ये और क्रिएट ओपन सोर्स टूल्स हैं जिसको आप एनिमेशन के लिए यूज कर सकते हैं। पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगी तो आपको और भी डिफरेंट वेराइटी ऑफ टूल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन हम जो आज डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे और हैंड्स ऑन करेंगे वो है स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप। ये स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप का लोगो है, तो ये आप अपने प्ले स्टोर से एंड्रॉइड यूजर और आईओएस यूजर अपने ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप। क्या आप लोग यही ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं? चलिए आगे मूव करते हैं। अब आप कोई भी एनिमेशन अगर आप स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? तो आप देख सकते हैं हमें थ्री मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट है हमारे पास मोबाइल फोन होना चाहिए क्योंकि ये जो ऐप है वो मोबाइल बेस्ड है, मोबाइल कंपैटिबल है। और हमारे पास एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए कि जिस स्टोरी पर हमें एनिमेशन क्रिएट करना है तो एक उसकी हमारे पास स्टोरी लाइन होनी चाहिए और स्टोरी बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि हमें स्टोरी बोर्ड का आपको इम्पोर्टेंस क्या होती है प्रीवियस सेशन में भी आपको पता चला होगा और आपका एक स्क्रिप्ट टू स्क्रीन सेशन हुआ था जिसमें भी आपको बताया गया था कि स्टोरी बोर्ड क्या होते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो स्टोरी बोर्ड हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी कंप्लीट मूवी का, कंप्लीट वीडियो का। तो हमारे पास स्टोरी बोर्ड होना चाहिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमें पता हो कि हमें इस शॉट के बाद सेकेंड शॉट हमारा ये है जो हमारे पास रेडली अवेलेबल है और हमें इसको शूट, इसको क्लिक करना है। तो ये सारा आइडिया हमें स्टोरी बोर्ड से लगता है। तो हमारे पास इन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है कि जब हम कोई भी अपना जो एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप के थ्रू। ये आप देख सकते हैं बहुत ही रफ स्केच बना हुआ है स्टोरी बोर्ड का। तो जरूरी नहीं है स्टोरी बोर्ड जो है आपको डिजिटली बनाना है, बहुत ही फाइन बनाना है। ये आप देखेंगे बहुत ही बेसिक हाथ से केवल एक पेपर पर स्टोरी बोर्ड बनाए गए हैं। क्योंकि जो आप स्टोरी बोर्ड से क्या है कि जो आप प्रोड्यूसर है जो या आप खुद भी कर रहे हैं तो बस आपको अपना आइडिया हो उसके लिए, क्योंकि ये एक केवल आपको एक आइडिया देने के लिए बनाना होता है। तो जरूरी नहीं है कि इसको आपको बहुत ही अच्छा बनाना है, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि पर फ्रेम आप क्या करने वाले हैं, क्या आप शूट करने वाले हैं, ये आपको बस क्लियरिटी होनी चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे कि
ये एक बहुत कॉमन स्टोरी है, थर्स्टी क्रो की स्टोरी है कि एक प्यासा कौवा होता है, वो पानी की तलाश में होता है, फिर उसको एक मटके में पानी दिखता है। तो ये उस स्टोरी पे बेस्ड एक स्टोरी बोर्ड बनाया गया है। तो आप देखेंगे प्रेम वन है, प्रेम टू है। तो प्रेम वन में क्या सीन था, प्रेम टू में क्या था, प्रेम थ्री में आप देखेंगे कि थोड़े जो क्रो की पोजिशन है वो थोड़ी सी नीचे की डाउनवर्ड आती आ गई है। तो प्रेम फोर में आप देखेंगे कि वो मटके की तरफ जा रहा है। तो ये आप देखेंगे कि ये मटके की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे प्रेम फाइव में वो मटके के पास आ गया है। तो उसने फिर प्रेम सिक्स में आपने देखा कि उसने वो जो पास में पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं वो उनकी तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हमने जो स्टोरी है हमारी, और जो हमें फिल्म, हमें जो अपनी जो एनिमेशन है वो इसमें क्रिएट करना है, तो हमने उसको पूरा सीक्वेंस वाइज उसको हमने स्टोरी बोर्ड पे बना लिया है। तो ये हमारा स्टोरी बोर्ड है। तो हमारे पास एक स्टोरी बोर्ड होना चाहिए जिस स्टोरी पे आप ये, जिस स्टोरी लाइन पर आप एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं। फिर ये आप देखेंगे स्टेप क्या है। ये स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप है, इसको आप डाउनलोड करेंगे। फिर ये ऐप, जब ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं अभी आपको आपके उसके क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो समझाने के लिए, फिर हम एक डेमो भी देखेंगे कि कैसे हमने इस पे क्रिएट किया है। तो जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे अपने फोन में और आप उस पे क्लिक करेंगे, उस ओपन करेंगे, मैंने अभी कमेंट एक चैट बॉक्स में आया है, व्हेन एडिंग इमेज इट डिमांड ₹550। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पहले इसको सेशन को सुन लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद आप, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी इसमें कौन से फीचर आप यूज कर सकते हैं, कौन से पेड हैं। अगर आप पहले से इसको एक्सप्लोर करेंगे तो फिर ये होगा कि आपको लगेगा कि आप इस ऐप में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो मेरी पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहले आप इस सेशन को सुन लीजिए। मुझे पता है आप लोग साथ के साथ आपको हैंड्स ऑन का टाइम दिया जाएगा, और हैंड्स ऑन करने के बाद जो लोग क्रिएट भी कर लेंगे उसका भी हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी करवाएंगे इसी सेशन में। तो पहले आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि कौन से फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस टाइम पर इसको एक्सप्लोर करने लग जाएंगे, एक्सप्लोर करने के लिए तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। अभी ये वर्कशॉप खत्म होने के बाद आपको इसको एक्सप्लोर करके इसको और आपको अच्छे अच्छे एनिमेशन बनाने हैं। तो अगर आप अभी उसमें एक्सप्लोर करने में लग जाएंगे तो फिर आपको ये लगेगा कि ये पेड है, पेड है, पेड है। तो ऐसा नहीं है, ये मैंने आपको बताया है कि इसकी कुछ फीचर एडवांस फीचर प्रीमियम है जो पेड है, लेकिन बेसिक फीचर्स भी हैं। और आप कोई भी एनिमेशन अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप क्लासरूम में दिखाना चाहते हैं कम टाइम में, तो उसमें आप बेसिक फीचर ही यूज करेंगे, आप एडवांस फीचर करेंगे भी नहीं। क्योंकि आप कहीं भी किसी भी आप सॉफ्टवेयर के एडवांस लेवल पर जाएंगे तो वो आपको और टाइम टेकिंग ही होगा। तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको एक्सप्लोर करने की बजाय अगर आप सेशन पे ध्यान दे लेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। ठीक है, तो आप कर लीजिए, एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत टाइम है, आपके पास टाइम ही टाइम होगा इस वर्कशॉप के बाद, कि जितने भी आपको सॉफ्टवेयर डेमोन्स्ट्रेट किए जा रहे हैं तो वो आप एक्सप्लोर ही करेंगे। ठीक है, तो आप जब इस ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी जिसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। ठीक है, ये डैशबोर्ड होगा, और आप ये जो प्लस का साइन देख रहे हैं यहाँ पर, ये है न्यू मूवी। आपको कोई भी अगर एनिमेशन क्रिएट करना है इस ऐप के थ्रू तो आप इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। आप इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की स्क्रीन अपने मोबाइल फोन पे दिखाई देगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये मोबाइल बेस्ड ऐप है, क्योंकि इसमें आपको फोटोग्राफ्स क्लिक करने हैं, और डेस्कटॉप, लैपटॉप, मैकबुक, आप इन सबसे फोटोग्राफ नहीं क्लिक कर सकते, कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये मोबाइल बेस्ड ऐप है, मोबाइल पे कंपैटिबल। ऑल्दो ये आपको दिखाएगा कि हाँ ये वर्जन है, वर्जन होगा इसका,
विंडो का भी वर्जन होगा, लेकिन आप ये देखिए कि आप किससे आसानी से बना सकते हैं। हैंडी जो आपके लिए है तो वो मोबाइल रहेगा, तो जब आप उस पर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी जो आपको अभी स्क्रीन दिख रही है। तो इसमें आप देखेंगे आपको काफी सारे आइकन्स दिख रहे हैं। आपको राइट हैंड साइड, मेरे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि ये आपको फोर आइकन्स दिख रहे हैं, फोर आइकन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं और सेंटर में आपको एक आइकन दिख रहा है। अब ये आइकन्स क्या है ये हम देखेंगे। ये आप जो फर्स्ट आइकन है ये है आपका कैमरा वाला आइकन, ये है कैमरा जिससे कि आप अपनी मूवीज के लिए, अपनी मूवी के लिए फोटोग्राफ्स जो आपके पिक्चर्स है उसको क्लिक करेंगे। तो आप इस पे क्लिक करके फोटो को क्लिक करेंगे। सेकेंड आइकन आप देख रहे हैं ये अंडू आइकन है। अंडू फीचर सबको पता है क्या होता है। ये थर्ड आइकन जो है ये प्ले का बटन है। जब आप सारे सीक्वेंस क्लिक कर लेंगे अपने जो आपका जो आप एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, फिर आप इस प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको हर पिक्चर्स जो मैंने बताया था, फिल्म क्या होता है पिक्चर्स का एक मोशन होता है, क्लिक उसको एक सीक्वेंस में हम प्ले करते हैं तो वो वीडियो की तरह फील होती है। तो आप इस पर प्ले करेंगे तो आपकी जो एनिमेशन है वो प्ले होने लगेगा, उस पर मोशन हमें फील होने लगेगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टॉप आइकन है वो है एरो आइकन, वो है बैक बटन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप वापस अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे जहां से आपने प्लस आइकन पे क्लिक करके आप इस पेज पर आए थे। तो इससे आप बैक करके अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। अब ये है वॉइस ओवर, सेकेंड आइकन जो है वॉइस ओवर का आइकन है। इसमें अगर आप अपने जो वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनिमेशन जो बना रहे हैं उसमें आप वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक रिकॉर्डिंग का बटन आएगा और उस पर आप क्लिक करेंगे तो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं उसमें और उसको अपनी वीडियो के साथ सिंक कर सकते हैं। तो इसमें हम वॉइस ओवर डाल सकते हैं, इसमें हम कोई भी स्टोरी लाइन, जैसे कि कोई स्टोरी जैसे सृष्टि की ही स्टोरी है, हमने मूवी को शॉर्ट क्लिक कर लिया इससे और उस स्टोरी को हमने जो स्टोरी है उसको नरेट करके हमने अपनी मूवी के साथ सिंक कर दिया। तो आप सेम टाइम पर आप देखेंगे कि पिक्चर्स विजुअल्स भी उसके साथ आ रहे, साथ में वॉइस ओवर भी उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। तो आप इस इसके साथ वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हैं। थर्ड आइकन आप जो देख रहे हैं ये है ऐड इमेजेस ऑडियो क्रेडिट। तो आप कोई भी जो एक्सटर्नल इमेज, मतलब कि एक्सटर्नल इमेज का मतलब क्या है कि आप अपने फोन की गैलरी से कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं अगर इस अपनी मूवी में, अपने एनिमेशन में, तो वो आप नहीं कर सकते। इसके जो फीचर है इसमें आप एक्सटर्नल ऑडियो का मतलब आपके फोन की गैलरी में कोई म्यूजिक है जो पहले से रिकॉर्ड डाउनलोडेड है, आप उसको अपनी मूवी के साथ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। इसके जो फीचर है कि कोई भी एक्सटर्नल इमेज ऐड करना, एक्सटर्नल ऑडियो ऐड करना, क्रेडिट्स देना, क्रेडिट्स मतलब कि आप चाहते हो कि मूवी के एंड में क्रेडिट्स रिटन या ऑडियो क्रेडिट्स आ जाए। जैसे कि अक्सर हम किसी भी वीडियो प्रोग्राम में देखते हैं कि एक क्रेडिट्स की लिस्ट आती है, वो आप अगर देना चाहते हैं तो ये जो फीचर है ये आपके एडवांस फीचर में आता है। इस फीचर को आप यूज नहीं कर सकते, ये आपके पेड फीचर में आएगा। बाकी के जो फीचर होंगे वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। अभी फीचर इसके और भी है जो हम अभी आगे देखेंगे। और ये जो है वो सेटिंग बटन है। सेटिंग बटन में क्या है कि आपको स्पीड सेट करनी है कि मूवी कितनी फास्ट रखनी है, कितनी उसका क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, वो आप इसमें देख सकते हैं। वो आप इसमें है ना वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, इसके फेडनेस को कर सकते हैं। जैसे कि कोई मूवी होती है आप देखते हैं कि एक फेड उसकी जो बिगनिंग होती है वो फेड इन में होती है और जो एंडिंग होती है फेड आउट में होती है। तो इस तरीके से ये जो होते हैं फीचर्स होते हैं तो ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके एस्पेक्ट रेशियोज को आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये बीच पे आइकन देख रहे हैं ये है टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने
जो क्लिक किए हैं, फोटोग्राफ्स जो कैप्चर किए हैं, क्लिक किए हैं, वो आपके उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने क्लिक की है, वो सीक्वेंस में आपको नीचे सारे फोटोग्राफ्स दिखेंगे, ताकि आप उसको हम टाइमलाइन कहते हैं, टाइमलाइन में हमें सारे फोटोग्राफ्स दिखेंगे, ताकि अगर आप किसी भी एक फ्रेम को, जो फ्रेम, अगर हम एक फोटो को, एक जो भी हमने पिक्चर क्लिक की है उसको हम फ्रेम बोलते हैं, अगर आप इस फ्रेम में, किसी भी फ्रेम में, पर्टिकुलर फ्रेम में एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपको टाइमलाइन में शो होते हैं। अब अगर आप जो कैमरा आइकन था उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन मिलेगी। इसमें भी अगेन आप देखेंगे कुछ आपको आइकन्स दिख रहे हैं, तो ये जो आइकन है वो है आपका बैक बटन। आप इसके थ्रू, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी प्रीवियस स्क्रीन पे चले जाएंगे। सेकंड जो आप आइकन देख रहे हैं, ये वाला आइकन, ये टाइमर है। तो ये टाइमर की जरूरत क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद ये जो आप बटन देख रहे हैं रेड कलर का, इस पे क्लिक करके आप कोई भी फोटोग्राफ क्लिक करेंगे, कोई भी पिक्चर क्लिक करेंगे, जिसको, जिसके बेस पे आप एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आप जब फोटो क्लिक करेंगे मैन्युअली, तो कई बार ऐसा होता है कि हैंड शेक हो जाता है, कि हम करते करते हमारा हाथ हिल गया, या कुछ ऐसा हुआ कि मतलब ठीक से आप एंगल नहीं बन पाया, क्योंकि आपको क्लिक भी करना है, एंगल भी, आपको फोन को उस पोजीशन पे आपको पकड़ के भी रखना है, होल्डिंग भी रखनी है फोन की। तो कई बार ऐसा होता है कि वो हैंड शेक होना या ब्लर होना या कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है एरर की। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि टाइमर सेट कर सकते हैं। ये जो टाइमर है इसमें आप सेकेंड्स को सेट कर सकते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपका जो क्लिक है वो हर 3 या 4 सेकेंड्स के बाद हो, तो आप इस पे क्लिक कर, आप टाइमर सेट कर देंगे, वो 3 या 4 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली कैप्चर होने लग जाएगा वो फोटो आपको सिर्फ स्टोरी बोर्ड के सीक्वेंसिंग को चेंज करना पड़ेगा, पिक्चर्स की सीक्वेंसिंग को चेंज करना पड़ेगा, फोटोग्राफ फोटो अपने आप ऑटोमेटिकली टाइमर के थ्रू क्लिक होती रहेगी। तो इससे क्या है कि आपके जो हाथ के हिलने की या फिर ये जो एरर होने की पॉसिबिलिटी जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी इससे। तो हम, ये हमारा टाइमर है, ये थर्ड आइकन है, अगेन प्ले बटन है, इस पे आप वो करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप इस पे प्ले कर सकते हैं मूवी को। अब ये 4 डॉट्स जो हैं ये क्या है, अब इन 4 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ये ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें क्या है कि ये जो प्लस का आइकन है ये जूम के लिए है, आपको जूम आउट जूम इन करना है अकॉर्डिंग टू डिमांड या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ऐसी तो आप जूम का फीचर यूज कर सकते हैं। ये आप जो है, ये ब्राइटनेस है, आप देखते हैं कि ब्राइटनेस का फीचर यूज कर सकते हैं। ये फॉन्ट साइज के लिए है, ये आप फॉन्ट साइज के लिए कर सकते हैं, और ये रोटेशन के लिए है, तो आपको रोटेट भी कर सकते हैं ऐसे। आप ये खुद भी करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, बाकी हम डेमो में भी देखेंगे। तो इस तरीके से ये जब आप कैमरा जो आइकन है उस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये फीचर्स मिलते हैं। ये मैंने टाइमर पे क्लिक किया, आपने देखा मैंने टाइमर पे क्लिक किया, तो आपको ये टाइमर के सेकंड्स आपको दिख रहे हैं। आप जिस भी सेकंड पे क्लिक करेंगे तो वो टाइमर सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली पिक्चर्स क्लिक होने लगेगी। अब आपने ये देखा, ये वही स्टोरी है जो हमने अभी स्टोरी बोर्ड में, हमने ये हाथ से ड्रॉ करके एक स्टोरी बोर्ड बनाया था क्रो की स्टोरी का। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पेपर पे बना हुआ है, और इसमें जो भी एलिमेंट्स इसमें दिख रहे हैं वो सारे पेपर कटआउट हैं, जैसे कि क्रो है वो भी पेपर से बना हुआ है, जो इसमें आप ये पॉट देख रहे हैं, मटका देख रहे हैं, ये भी पेपर से बना हुआ है। तो ये पेपर जो कटआउट मोशन मैंने आपको बताया था, ये कटआउट मोशन है, इसमें हम पेपर कटआउट का यूज करेंगे एनिमेशन क्रिएट करने। तो जो स्टोरी मैंने आपको दिखाई थी स्टोरी बोर्ड में, जो कि बहुत ही कॉमन स्टोरी है, तो इस स्टोरी को मैंने हर एक फ्रेम वाइज इसमें मैंने क्लिक कर लिया, तो आप देख सकते हैं नीचे टाइम लाइन में, ये टाइम लाइन में सारे फोटोग्राफ्स उसी सीक्वेंस में आ गए। ठीक है,
आप ये देख सकते हैं 1/37। इसका मतलब ये है कि इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए मैंने 37 फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं। वो स्टोरी मेरी एंड टू एंड 37 फोटोग्राफ्स में कवर हुई है, तो मैंने इसके लिए 37 फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं। तो इस तरीके से टाइमलाइन में आपको सारे फोटोग्राफ्स दिखने लगते हैं। ये आपकी, अब जैसे आपने देखा कि मैं 5th नंबर फ्रेम पर हूं, तो वो शो कर रहा है 5/37। अब आपने देखा कि जैसे ये 20th नंबर का फ्रेम है, अब मुझे लगता है कि मुझे इस फ्रेम में कुछ एडिटिंग करनी है, या ये फ्रेम गलत आ गया, या ये फ्रेम यहाँ नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आप जब क्लिक कर लेते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे सुटेबल नहीं है, तो उसको भी हम एडिट कर सकते हैं। इसीलिए टाइमलाइन में सारे फ्रेम्स जो हैं वो टाइमलाइन में इसीलिए आते हैं ताकि हम पर फ्रेम एडिटिंग कर सकें। तो एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस फ्रेम पर टैप करेंगे, प्रेस करेंगे, तो हमें एक पॉपअप स्क्रीन दिखेगी जो आपको दिख रही है। इसमें आपको बहुत सारे एडिटिंग फीचर्स भी दिख रहे हैं कि आप एक इंसर्ट कर सकते हैं कैमरा, पॉज कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इरेज का फीचर है, मर्ज है, सेलेक्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ जो फीचर्स हैं वो हमें डिसेबल्ड दिख रहे हैं, जैसे कि हमें मर्ज का जो फीचर है वो हमें डिसेबल दिख रहा है। पेस्ट का इनेबल तभी होगा जब हम कहीं से कॉपी या कट की कमांड आएगी, तभी वो पेस्ट इनेबल होगा। एक हमें रिवर्स का फीचर जो है वो डिसेबल दिख रहा है। तो मर्ज फीचर, प्लीज आप लोग ये बहुत केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि अभी भी मैं चैट पर देख रही हूँ लोगों को ऐप के नाम ही नहीं पता, जबकि मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने इसका नाम बताया था। ऐप का नाम है स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप। ये आपको प्ले स्टोर से, ये एंड्रॉइड बेस्ड भी है और एप्पल यूजर्स के लिए भी है, तो आप और ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मर्ज फीचर, रिवर्स फीचर और इरेज फीचर, हालांकि इरेज जो है वो आपको डिसेबल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फीचर जो है वो हमारे पेड फीचर है, ये हमारे प्रीमियम वर्जन के फीचर है, हम इनको यूज नहीं कर सकते। और साथ में ही ये ऑडियो, तो ये अब आप ये कह सकते हैं कि ऑडियो जो है वो डिसेबल क्यों नहीं दिख रहा है, ये इनेबल दिख रहा है। ये इनेबल इसमें क्या है, ऑडियो फीचर में हम जैसे कि मैंने बताया था, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि हम अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल ऑडियो हम नहीं ऐड कर सकते। एक्सटर्नल ऑडियो का मतलब है कि हमारी वो ऑडियो जो हमारे डिवाइस में ऑलरेडी किसी और सोर्स से डाउनलोड की गई है, जैसे कि हमने गूगल से कोई ऑडियो डाउनलोड कर ली अपने मोबाइल की गैलरी में, और वहां से हम फिर इसको ऐड करना चाह रहे हैं अपनी वीडियो में, तो वो हम नहीं कर सकते। हम इसमें वही ऑडियो यूज कर सकते हैं जो हमने खुद से अपने वॉइस ओवर से रिकॉर्ड की हो उसमें। तो ये फीचर इनेबल इसलिए है कि अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपने जो वॉइस ओवर रिकॉर्ड की है वो गलत रिकॉर्ड हो गई, या आपके रिकॉर्ड करते समय फंबल हो गए आप, या गलत प्रोनाउंस कर दिया, तो आपको डिलीट करनी है वो ऑडियो अपने वीडियो पे से, तो हम इस ऑडियो के फीचर पे जाके उसको डिलीट कर सकते हैं। इसीलिए ये हमें आइकन इनेबल दिख रहा है कि हम इसको यूज कर सकते हैं हमारी रिकॉर्डेड वॉइस ओवर ऑडियो को डिलीट करने के लिए, लेकिन हम कोई भी एक्सटर्नल ऑडियो या म्यूजिक हम अपने डिवाइस से इस वीडियो के साथ सिंक नहीं कर सकते। ठीक है, अब है ये पॉज बटन। अब अगर आप चाहते हैं, पॉज बटन का यूज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी फ्रेम आपका है, आप ये चाहते हैं कि ये जो फ्रेम है वो मेरी इस मूवी में, आपकी मूवी है 1 मिनट, और आपका अगर एक पर्टिकुलर फ्रेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही फ्रेम 20th फ्रेम, आप चाहते हैं कि 10 सेकेंड तक स्टे करे इस मूवी में, कि स्क्रीन पे वो 10 सेकेंड तक स्टे करे, तो आप पॉज बटन पे जाकर उस पर सेकेंड सेट कर सकते हैं इस फ्रेम के लिए।
10 सेकेंड आपने सेट कर दिया पॉज, तो जब ये मूवी प्ले होगी तो ये पर्टिकुलर फ्रेम 10 सेकेंड के लिए स्क्रीन पर स्टे रहेगा। तो इस का फीचर ये है, इसका यूज ये है कि हम जो हम चाहते हैं कि अगर ये इतनी देर तक रहे, या हो सकता है कि अगर आपने इसमें कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हो, ये रिटेन में हो, अगर ये फोटो में ही हो और आप चाहते हैं कि यूजर इसको पढ़े, क्योंकि अगर मूवी की अगर स्पीड ऐसी है कि आपको लग रहा है कि अगर ये हम नहीं कर सकते हैं इसको, मतलब यूजर जो है इसको जो देख रहा है वो नहीं समझ सकता है, कोई फॉर्मूला ही अगर इसमें आपने लिखा है, सपोज एग्जाम्पल साइंस में कोई फॉर्मूला ही आपने इसमें लिखा है, तो आप इसमें पॉज फीचर का यूज करके इस पर्टिकुलर फ्रेम पे आप सेकेंड सेट कर सकते हो, 10, 20, 15, जो भी आपको आपको रखनी है, और आप इसको अगर कर देंगे तो पॉज फीचर इसमें इनेबल हो जाएगा और आपका ये पर्टिकुलर फ्रेम जो है वो उतने सेकेंड के लिए स्टे करेगा। अब ये आप देखते हैं इंसर्ट कैमरा, अगर आपने सारे फ्रेम आपके अच्छे से क्लिक हो गए, आपको लग रहा है कि सारा अच्छे से हो गया है, इसको रीटेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि बस एक फ्रेम मुझे बीच में और ऐड करना है, अगर मैं चाहूं कि मैं 20th फ्रेम के बाद 21st पे मेरा ये फ्रेम नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा फ्रेम आना चाहिए, तो मैं इंसर्ट कैमरा पे क्लिक करूंगी। इंसर्ट कैमरा पे क्लिक करने से क्या होगा कि इस जो 20th फ्रेम है इसके बाद कैमरा आ जाएगा और आप जो फ्रेम क्लिक करना चाह रहे हैं तो वो आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपके 20th और जो आपका पहले एग्जिस्टिंग 21st था उसके बीच में एक और फ्रेम को ऐड कर सकते हैं, तो आप इंसर्ट कैमरा के थ्रू एक नया फ्रेम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब ये है सिलेक्ट का, सिलेक्ट हम कोई सिलेक्ट करके हम कोई भी कॉपी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि ये फ्रेम मेरा 2 बार आ जाए, अगर आपको लग रही है कि रिक्वायरमेंट की मेरा ये 2 बार आ जाए, तो इसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और आप फिर पेस्ट कर देंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करके, सिलेक्ट का फीचर हमें पता है, हम सिलेक्ट करके कट भी कर सकते हैं, तो वो सिलेक्ट का फीचर एज इट इज यहाँ भी वर्क करता है। इसके बाद आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप सारे जो फीचर्स हैं वो आप एडिटिंग फीचर्स जो है पर फ्रेम एडिटिंग में यूज कर सकते हैं इसको। तो ये आप पर फ्रेम एडिटिंग कर सकते हैं इस पर दी ये आइकन्स। अब ये है कि अब ये ऑडियो है, मैंने आपको बताया था कि आप इस पर क्लिक करेंगे अगर तो आप के सामने एक ऑडियो रिकॉर्डर बटन आएगा और उसमें आप उसको आप यूज करके कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें इस स्टोरी का नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये सब आप इसमें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये रिकॉर्ड बटन है, आप इस रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और आप जो भी बोलेंगे वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, और रिकॉर्ड होने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे वो स्टॉप हो जाएगा, आप उसको प्ले करके देख सकते हैं और वो आपके ऑटोमेटिकली वो आपके इस पे आपकी मूवी के साथ सिंक हो जाएगा। अब ये है जो सेटिंग आइकन था मैंने आपको दिखाया था, ये सेटिंग आइकन है, तो जिसमें आप काफी सारे फीचर्स हैं कि आप जैसे कि आप मूवी की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मूवी की स्पीड को आप देख सकते हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि फर्स्ट जो आप देख रहे हैं ये इस पर मैंने क्लिक किया तो ये स्पीड के लिए सेकेंड्स आ रही है, आप जितना इसको हाई करेंगे उतनी ही मूवी की स्पीड फास्ट हो जाएगी। आप अगर टू पे क्लिक टू अगर ये आप 2 सेकेंड पे क्लिक रखेंगे तो मूवी फास्ट हो जाएगी, और अगर अगर आप इसे 1 पे सेट करेंगे तो मूवी स्लो चलेगी, तो जितना आप इसको हाई रेंज पे लेकर जाएंगे मूवी की स्पीड उतनी ही फास्ट होती जाएगी, तो आप इस तरीके से इसकी मूवी की स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब सेकंड आइकन जो आप देख रहे हैं ये है, सेकंड आइकन जो है ये फेड का है, इसमें मैंने जो बताया था कि फेड इन फेड आउट आप अपनी मूवी पे अप्लाई कर सकते हैं, ये जो आपका एस्पेक्ट रेशियो का है इसमें आप अपनी मूवी की एस्पेक्ट रेशियो को सेट कर सकते हैं,
ये है फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड में आपको जो फीचर है वो आपको नहीं मिलेगा, ये आपका प्रीमियम के अंदर आता है। तो इसमें आप कोई खास, इसमें आप मतलब इस फीचर को आप यूज नहीं कर सकते हैं। और ये जो है इसके नेक्स्ट फिल्टर है, तो फिल्टर में कुछ फिल्टर्स, जैसे कि हम अपने मोबाइल फोन में भी कोई फोटो क्लिक करते हैं तो फिल्टर पर जाके उसको फटाफट से एडिट कर लेते हैं, हमें जैसा फिल्टर लगाना है उसको लगा के उसको अच्छा मतलब क्लीन कर सकते हैं, उसको उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये फिल्टर का जो ऑप्शन है यहाँ पर, आप इसको भी यूज करके अपनी मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते हैं, या और इसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं, लेकिन इसमें सारे फिल्टर्स फ्री नहीं है, जो फ्री फिल्टर्स है आप वही यूज कर सकते हैं। ये अगेन आपकी क्वालिटी है, तो आप इसके थ्रू एचडी में भी अपनी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। एचडी वीडियो हमारे लिए इनफ होती है, क्योंकि हम लोग ये हम ये जो मूवी जो अपने एनिमेशन बना रहे हैं वो हम फोन मोबाइल फोन पे बना रहे हैं, तो मोबाइल फोन में ये होता है कि अगर ज्यादा बहुत ज्यादा हैवी वीडियो होगी तो हमको शेयर करने में भी हमारी लिमिटेशंस आ जाएंगी, वो डेटा कंज्यूम भी ज्यादा करेगी, स्पेस भी कंज्यूम ज्यादा करेगी। तो एचडी में जो होता है वो उसका आउटपुट भी अच्छा होता है, और आप इजिली उसको अपने लिमिटेड डेटा एक्सेस में भी इसको हम आप इजिली शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा ये हमारी क्वालिटी है कि हम किस क्वालिटी में उसको कर सकते हैं, तो हम इसे एचडी में कर सकते हैं। और ये प्लेबैक का बटन है, तो ये सारे फीचर्स आपको सेटिंग में मिल जाएंगे। अब आपकी मूवी पूरी बन गई है, ये अभी मैं केवल आपको बेसिक फीचर बता रही हूँ, इसके बाद डेमो भी है इसका, ताकि आपको अभी तो सिर्फ ये समझ में आए कि किस आइकन का यूज क्या है। तो ये इतने सारे जो आइकन्स हैं उनका पर्पस क्या है, उनको हमें कैसे यूज करना है, ये सिर्फ ये बताने के लिए था। तो अब आपके क्या है कि मूवी बन गई, आपने हर फ्रेम को एडिट कर लिया, आपने वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड कर लिया, आपने इसको अपनी वीडियो के साथ सिंक भी कर लिया। अब आप इसको शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस अल्टीमेट यही है कि हम जो बना रहे हैं वो बच्चों के लिए बना रहे हैं, या हम इसको अपने यूजर्स के लिए बना रहे हैं, तो हमारा पर्पस यही है कि हम इसको शेयर करना। तो अब इसको हम शेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो बैक बटन है इस पर क्लिक करेंगे। हमने इस पर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि स्क्रीन हमें दिख रही है, ये हमारा डैशबोर्ड है, क्योंकि हमने यहीं से शुरुआत की थी, हमने प्ले बटन इस प्लस आइकन पे क्लिक किया था और बैक बटन से हम इस पे अपने डैशबोर्ड में आ गए। अब आप देखेंगे कि डैशबोर्ड में आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया, न्यू मूवी क्रिएट की, वो आपको अपने डैशबोर्ड पे दिखती है। आप इस डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आप जैसे मैं देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने मूवी क्रिएट की वो मुझे यहाँ दिख रही है, ये मल्टीपल मूवीज थी इसलिए आपको बहुत सारी दिख रही होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक टेक में नहीं बन पाती है या कुछ भी हो जाता है, तो हम उसके मल्टीपल टेक भी लेने पड़ते हैं। तो ये जो फाइनल मूवी मेरी बन के आई वो यहाँ पर है, तो मैंने इस पर लॉन्ग प्रेस किया तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर एक ब्लू बार आ गया है, ये ब्लू बार में आपको कुछ आइकन दिख रहे हैं। तो ये आइकन क्या है, इसमें अगेन प्रीव्यू बटन है कि आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं, आप एक बार एक्सपो इस मूवी को डाउनलोड करने से पहले देख सकते हैं कि ठीक है कि नहीं, फाइनल प्रीव्यू का वो आपको ऑप्शन देता है। फिर सेकंड जो आप आइकन देख रहे हैं इधर, शेयरिंग आइकन, शेयर आइकन में ये है कि आप इस मूवी को शेयर कर सकते हैं, किस किन फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। पहले मैं आपको आइकन बता देती हूँ कि क्या है। थर्ड आइकन है डुप्लीकेट या कॉपी का, आप अपनी मूवी की कॉपी बना सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मूवी की मल्टीपल कॉपीज बनाने की क्या जरूरत है, मूवी तो हमारी बन गई, तो मल्टीपल कॉपीज का पर्पस ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्टोरी है वो आपने एक इंग्लिश में इसका नरेशन रिकॉर्ड किया, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम में भी इसको करना चाहते हैं तो आप इसकी कॉपी बना सकते हैं, और कॉपी बनाने के बाद उसकी ऑडियो में एडिटिंग करके
उसका हिंदी में वॉइस नरेशन डाउनलोड कर अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं वीडियो के साथ। और अगर आप ये चाहते हैं कि सेम रिसोर्स आप मल्टीपल रीजनल लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम दोबारा हमें रीशूट करने की जरूरत नहीं है अपनी मूवी को। हम इसकी कॉपी बनाएंगे और उसकी वॉइस ओवर में एडिटिंग करके हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी स्टोरी को या जो भी आप क्रिएट करते हैं तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक मूवी रिकॉर्ड करके आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी डिसेमिनेट कर सकते हैं। तो ये इसका फीचर है कि आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। तो ये इसका इसलिए ये डुप्लीकेट कॉपी बनाने का आइकन दिया गया है। ये आप देखेंगे इसमें डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट भी कर सकते हैं और इसको आप राइट क्लिक करेंगे अगर यहाँ से, तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं आप अपनी मूवी को, क्योंकि अभी तो ये स्टॉप मोशन मूवी बाय डिफॉल्ट नेम आया है। जो भी किसी भी ऐप से हम करते हैं तो एक बाय डिफॉल्ट नेम आता है यूजर का, वो आया है, लेकिन इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं और रीनेम आप जो कहे कर सकते हैं। अब है क्या इसको, अब जो मैंने बताया था इसको शेयर करने का ऑप्शन, तो अब इसको आप शेयर कैसे करेंगे? जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखते हैं जिसमें आप इसको शेयर कर सकते हैं। पहला आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट मूवी, इसका मतलब क्या है कि इसको हम MP4 फॉर्मेट में, MP4 सब ये पता होगा कि MP4 फॉर्मेट जो होता है वो मूवी के लिए फॉर्मेट होता है और MP3 फॉर्मेट जो होता है वो ऑडियो का फॉर्मेट होता है, क्योंकि कल के जो सेशन है उसमें आपको ये आई एम श्योर बताया गया होगा कि ये इनका जो फॉर्मेट के नेम होते हैं ये। तो एक्सपोर्ट मूवी का मतलब है कि हम इस अपनी जो हमने बनाया है वीडियो उसको हम MP4 में डाउनलोड कर सकते हैं। MP4 बहुत ही कंपेटेबल फॉर्मेट होता है, ये हर डिवाइस में प्ले हो सकता है, ये आपके एंड्रॉइड पे प्ले हो सकता है, ये आपके iOS पे प्ले हो सकता है, आपके विंडोज पे प्ले हो सकता है। तो इसके थ्रू आप इसको अगर, और इसमें हम शेयर जरूरी नहीं है फोन टू फोन मोबाइल फोन करें, हम इसमें शेयर ना मोबाइल फोन से ईमेल पे भी कर सकते हैं, हम फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। तो हर जगह MP4 जो है कंपेटेबल होता है, तो इसमें जो वीडियो डाउनलोड आपकी एक्सपोर्ट होती है वो MP4 फॉर्मेट में होती है। अब सेकेंड ऑप्शन आप देख रहे हैं एनिमेटेड गिफ्ट, तो इसमें एनिमेटेड GIF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है ऑल इमेजेस। अब अगर आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो जो मूवी है आपकी वो इमेज फॉर्मेट में हो जाएगी, इमेज फॉर्मेट का मतलब क्या है कि हर एक जो आपका फ्रेम है वो एक इमेज के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। अब इमेज के फॉर्म में डाउनलोड होने का मतलब ये है कि आप हमने अगर कोई स्टोरी बनाई है तो वो एक मूवी के फॉर्म में भी आपके पास सचिव प्लस एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में भी, बुक के फॉर्म में भी आपके पास आ जाती है। आप क्लासरूम में भी दे सकते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बच्चा सीक्वेंस देखकर भी समझ जाता है। तो मतलब ये आपको मल्टीपल फॉर्मेट्स में आपको एक आपकी वीडियो को प्रोवाइड करता है। फ्लिप बुक में क्या होता है कि फ्लिप बुक में ये जो इमेज है वो एक PDF कंबाइंड PDF के फॉर्म में आएगी। तो कंबाइंड PDF में, कंबाइंड PDF मतलब कोई भी कॉमिक बुक होती है तो उसमें आप देखते हैं कि एक स्टोरी होती है और स्टोरी जो होती है वो एक सीक्वेंस में चल रही होती है, उसमें ऑडियो की जरूरत नहीं थी, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। तो इस तरीके से ये आपकी PDF के फॉर्म में आ जाएगी, जो अगर आप ऐसा रिसोर्स बनाते हैं जो यूजर है वो केवल देख कर भी उसको, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो और यूजर देख कर भी उसको समझ सकता है, तो वो फ्लिप बुक, वो इस तरीके के यूजर्स के लिए हम फ्लिप बुक फॉर्मेट में भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फ्लिप बुक में भी डाउनलोड जाएगी, मतलब वो PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। और लास्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट, तो ये इसका जो बाय डिफॉल्ट इसका जो इस ऐप का एक्सटेंशन होता है उसमें डाउनलोड होती है। तो हम बाकी के जो सपोर्ट केवल इसी में ही करेगी, तो हम बाकी के जो 4 जो ऑप्शंस दिए हैं ये हमारे कंपैटिबल हैं और हम इन्हीं फॉर्मेट्स को ही अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं क्योंकि हम इनके यूजफुल हैं, हमें पता है ये बहुत इजी टू एक्सेस होते हैं, तो हम इन फॉर्मेट्स में इनको डाउनलोड, वो इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने एक्सपोर्ट मूवी पर क्लिक किया, अब आप जब एक्सपोर्ट मूवी पर क्लिक करेंगे या किसी भी ऑप्शन पे करेंगे सेम ही आपके शेयरिंग ऑप्शन आएंगे। तो मैं एक ऑप्शन के साथ आपको समझा देती हूँ, मैंने एक्सपोर्ट मूवी पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके की स्क्रीन मुझे दिखेगी,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो आपको ऑप्शन देते हैं कि डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या ईमेल के थ्रू करना है। आप डायरेक्टली या तो ऐसे लिंक शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप ये देखेंगे कि एक ऑप्शन आ रहा है सेव वीडियो, ये आप ऑप्शन देखेंगे सेव वीडियो। सेव वीडियो का मतलब क्या है कि ये जो वीडियो है आपकी, क्योंकि मैं अभी वीडियो फॉर्मेट में कर रही हूँ, तो वीडियो जो है आपकी आपके फोन की गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि कोई भी वीडियो हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू आती है और हम उसको डाउनलोड करते हैं, तो हमारे फोन की गैलरी में वो डाउनलोड हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो सिमिलरली अगर हम सेव वीडियो पे क्लिक करेंगे तो हमारी फोन की गैलरी में जाके वो डाउनलोड हो जाएगी, तो वो डाउनलोड हो जाएगी और इससे आप इसको वो कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे इसके मोबाइल ऐप के फीचर थे, तो इनको हम यूज कर सकते हैं। अब हम एक डेमो वीडियो देखेंगे कि जिसमें हम किस तरीके से इसको क्रिएट करेंगे, वो इसका एक डेमो वीडियो है। स्टॉप मोशन एनिमेशन फॉर द फेमस स्टोरी। टुडे वी विल क्रिएट स्टॉप मोशन एनिमेशन फॉर द फेमस स्टोरी द थर्स्टी क्रो। वी मस्ट हैव हियर्ड अबाउट इट। तो ये एक डेमो वीडियो है, इसमें आप देखेंगे किस तरीके से वीडियो क्रिएट की गई है और वॉइस नरेशन इसमें ऐड किया गया है। सो वी विल क्रिएट स्टॉप मोशन एनिमेशन फॉर दिस स्टोरी एंड वी विल क्रिएट दिस स्टोरी बाई यूजिंग डिफरेंट कटआउट्स। वी कैन क्रिएट स्टोरी बाई यूजिंग पपेट्स क्ले। बट टूडे वी विल क्रिएट दिस स्टोरी स्टॉप मोशन एनिमेशन बाई यूजिंग कटआउट्स एंड हेयर यू कैन सी दिस इज द बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड वी विल यूज दिस बैकग्राउंड फॉर क्रिएशन ऑफ स्टॉप मोशन एनिमेशन एंड हेयर यू कैन सी सम कटआउट्स लाइक क्रो एंड एन अ वॉटर जग पिबल्स एंड एन अ वॉटर जग विथ पिबल्स। तो वी विल यूज दीज कटआउट्स फॉर क्रिएटिंग आवर एनिमेशन। सो वी विल कैप्चर फ्रेम बेस्ड ऑन दी स्टोरी बोर्ड्स। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर वी हैव क्रिएटेड अ स्टोरी बोर्ड फॉर दिस स्टोरी एंड वी हैव क्रिएटेड अ ईच ऑफ फ्रेम एंड वी कैप्चर्ड दीज फ्रेम्स। सो एज डिस्कस्ड हेयर 8 आइकन्स आर गिवन। यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड टॉप आइकन इज कैमरा। सो वी विल कैप्चर्ड दिस फ्रेम बाई यूजिंग दिस आइकन। सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस। नाउ यू कैन सी अ रेड बटन। वी कैन कैप्चर अ फ्रेम बाई क्लिकिंग ऑन दी रेड बटन। तो आई एम क्लिकिंग ऑन इट। सो दिस इज आर फर्स्ट फ्रेम। नाउ नाउ आई एम क्लिकिंग माई सेकेंड फ्रेम वेयर द क्रो इज हेयर एंड क्लिक ऑन द रेड बटन। आई विल मूव द पोजिशन ऑफ द क्रो। आई विल मूव the position of the crow and I will click the frame again, move the crow and click the frame again, moving the crow and click the frame
अगेन सेम प्रोसीजर विल डू अगेन द क्लोज फ्रेम आई विल क्लिकिंग सो Now we can see the crow not able to drink a water because the water level of the jug is very low. So now he can see some pebbles here. So we will rotate the position of the crow and click, and we will click some clicks on that frame. We will move it on down. Now, as we can see, Crow picked up the pebble and now he moving towards the water jug, and we will capture this frame. We will capture each frame of this process. Now again, we repeat the entire process. And we'll capture every moment. We will capture each and every detail. Now we can see after putting pebbles in the water jug, now Crow is able to drink water and he is drinking water. We will capture this moment, this frame. And we will click all the frames. So we have clicked all possible frames for this story. Now we will see how many frames we have clicked. You can see at the bottom of right hand side 69 frames. So 69 frames are clicked for this story. Now I am clicking on the back button, and at the end
of the screen, we can see the timeline of this story, and we can see the every frame of this story. So as we are explained earlier, we can edit and we can add our voice in this story. Now we will edit our frames, like edit my frames timeline. So here we can see on frame number 65, the shadow is coming, my hand shadow is coming. So I want to delete this light. So what we can do is, I will click on this frame, and this editing options are coming. Here we can see a delete option. I will delete it, and this frame will delete it. So we can edit our timeline by using these edit option. If I want to copy my duplicate my frame, so I will click on copy button. And paste it here. So my so the duplicate frame will be created, and we will edit our timeline as we are required for. Now I am going to play this video by click on play button. So you can see the motion in the story, in the frames. If you realize that we can see the option of insert camera, we can click on this and retake the frame. We can cut the frame, we can copy this frame, and we can delete this frame, we can erase and edit also. And merge and reverse, jo, reverse feature will be available for the pro version of stop motion animation. Now if we can set our video speed by using these options. I am clicking on setting. Here we can see movie speed. We can set the speed of our animation movie. Now I have set 5 seconds per frame. We can set as per our requirement. 3 second, 4 second, 5 second, 10 second. We can use this feature for speed adjustment. We can adjust color contrast, but this feature is available for the pro version. And we can use foregrounds. So these some features are available with the free version. So we can use these feature for our animation. Now if we want to add our voice with the animation, we will use the voice icon. Now I am clicking on voice icon. Here we can see the record button on the screen. By clicking on this, we can record our voice and add with our animation. So now I am going to record my voice. I am clicking on the record icon. Here you can see the start recording. One hot day, thirsty crow flew all over the field looking for the water for a long time, and suddenly he saw a water jug near the tree. He flew down to see the
टू सी इफ देयर वॉज एनी वॉटर इनसाइड एंड ही कुड नॉट ही कुड सी सम वॉटर इनसाइड द जग. ही ट्राइड टू पुश हिज नेक इन टू द जग बट ही कुड नॉट डू दिस बिकॉज वॉटर लेवल इज वेरी लो. देन ही सॉ सम पिबल्स. ही स्टार्टेड पिकिंग अप एंड picking up pebbles one by one, dropping each into the jug, and water level kept rising. He finally drank water, and his plan had worked. The moral of the story is, think and hard work may find solution of any problem. I'm going to stop this recording. One hot day, Trusty. Now you can see all over the field looking for the water. Voice is coming with the video. He saw a water and we can add near the tree. Narration of a story down to the sea with the animation. See if there was any water inside. And he could not he could see some water inside the jug. He tried to push his neck into the jug. Now I'm going to stop this play and click on done. Now I'm going to play this animation with audio by clicking on play button. One hot day, Trusty Crow flew. Now you can see audio is coming with the video. So you can create small animation with audio by using this stop motion animation app. To see if there was any water inside. Now we want to share our video with our friends and with our students. So for this we will click on the back button. Here we can see right left hand side top icon is back icon. We will click on this icon. Here this is the dashboard and you can see this is the movie we have created. We will long press this icon, movie icon. So we can see the various icon is appearing top of the screen. First icon is preview icon. If I am clicking on this, we can see the preview of the of our animation. All over the field looking for the water for a long time, and suddenly he. Now I am pausing this, clicking on cross button, so we can preview our video by clicking on preview button. We can see the second icon of sharing. By using this icon, we can export our video in various format. First is in we can download export our animation in the movie format. We can export as animated GIF format. We can export in images format. We can export in flipbook format, and we can export in project format. So today we will here we will export our animation in movie format. I am clicking on this. So after clicking on this, there are many options are coming on the screen. We can share our video via WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Gmail, Messenger, Twitter. So we and here we can see the various option. We can use this options to share our video, and we can save our video in phone in our phone also. So we can by clicking on save video, we can download this video in our phone gallery. And we, phone gallery, so we can share our video by using these icons. Third number icon is copy icon.
if you want to duplicate your movie, you want to copy your make a copy of your movie, so you can click on this icon and you can see the copy of duplicate copy of your movie. So you can duplicate and make a copy of our video. And fourth option is delete option. We can delete multiple copies. Yeah, so now I'm going to delete this duplicate copy. I'm clicking on this, select on this and delete it. I'm clicking on delete option. So तो आप लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से ये रिकॉर्ड हम एक स्टॉप मोशन एनिमेशन ऐप के थ्रू हम ये कर सकते हैं। एक और मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगी स्टॉप मोशन एनिमेशन का ही, कि स्टॉप मोशन एनिमेशन कितना और किस और फील्ड में भी कर सकते हैं। ये तो एक हमने बहुत बेसिक एक एग्जाम्पल आपको दिखाया था, एक हिस्ट्री के हिस्ट्री सब्जेक्ट पे बेस्ड एक एनिमेशन बना था, तो उसका मैं आपको एक दिखाना चाहूंगी। वीडियो प्ले नहीं हो रही है। अच्छा ऐसा है, एक मिनट मैं रीशेयर कर।
पर बैठी थी कुछ पत्थर। कुछ चपटे कुछ थे नुकीले, कुछ जैसे हो मोटी कीले। कुछ कुदाल कुछ भाले जैसे, कुछ मीठे चाकू से धार। पत्थर से पत्थर को मार, बना रहे थे वो हथियार। ये जो भी आपने देखा, ये एक स्टॉप मोशन एनिमेशन का ही एग्जाम्पल है। और ये जो एनिमेशन है वो हमारा काइंडली रीप्ले, ठीक है, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। हमारे एनसीआरटी का जो यूट्यूब चैनल है, एनसीआरटी ऑफिशियल, आपकी खोज के नाम से आप वहां पर इसको देख सकते हैं, आपको वहां मिल जाएगा। ये हमारा इन हाउस बना हुआ है, एनसीआरटी का ये बनाया हुआ है। इवन ये प्रोफेसर इंदु कुमार, जो हमारी हेड डीआईसीपी और नेशनल कोऑर्डिनेटर दीक्षा मैम, दीक्षा है, उन्होंने ही ये सॉन्ग उन्होंने ही लिखा है ये खुद, और उनके ही डायरेक्शन में ये पूरा जो वीडियो है ये क्रिएट किया गया था। और इस हालांकि इसकी जो रिकॉर्डिंग थी, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, वो प्रोफेशनल के थ्रू की गई है, क्योंकि आप उसमें देख ही पा रहे होंगे म्यूजिक भी है इसमें, और इसमें सिंगर के थ्रू इसको कराया गया था। ये एक प्रोफेशनली शूट था। ये दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना था मेरा कि ये स्टॉप मोशन एनिमेशन था, और इसमें भी पेपर कटआउट्स का यूज किया गया था। और हिस्ट्री सब्जेक्ट में, जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल देखा डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे, वो हमने बहुत बेसिक एग्जाम्पल देखा था, लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको अगर लेक्चर मेथड से या फिर वर्बली इनको अगर समझाते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझाना कि आपकी खोज कैसे हुई। इसको हम कितना भी समझा दें, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने ये, इसकी जो ड्यूरेशन है आप देखेंगे, 2 मिनट 36 सेकेंड का वीडियो था ये, और इसमें आपकी खोज कैसे हुई वो पूरा प्रोसीजर इसमें समझाया गया था। और बहुत ही बेसिक था, कटआउट से नीचे एक मिट्टी की लेयर थी जिस पर कुछ ह्यूमन फिगर बनाए गए थे और एक केव जो पेपर से बनी। लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए, इस छोटे से 2 मिनट 36 सेकंड के वीडियो को बनाने के लिए मोर देन 2000 पिक्चर्स क्लिक की गई, क्योंकि आप देखेंगे मोशन कितना था उसमें, उनके हाथ पैर में मोशन था, वो जैसे खाना पका रहे थे या उनका मूवमेंट था। तो मूवमेंट, अगर आप कोई वीडियो कर रहे हैं, स्टॉप मोशन वीडियो को आप यूज कर रहे हैं, तो आप जितने ज्यादा पिक्चर्स क्लिक करेंगे उतना ही स्मूथ वो वीडियो बनता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब वो डेमो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, कि जो डेमो वीडियो सॉफ्टवेयर का, स्टॉप मोशन स्टूडियो का, तो मैंने हर पिक्चर को 2 बार क्लिक किया था। तो 2 बार क्लिक करने का पर्पस यही था कि आप अगर हर फ्रेम को 2 टाइम्स क्लिक करेंगे, तो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की तरफ जो तो ट्रांजिशन होता है, तो उसमें कोई किसी तरीके का जर्क नहीं आएगा, वो बहुत स्मूथ रहेगा।
तो पर्पस ये होता है कि आप जितना ज्यादा पिक्चर्स क्लिक करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी स्मूथ वीडियो बनती है, स्मूथ बनेगी। तो ये सिर्फ ये था कि एक और विजन देने का मतलब था इस वीडियो को दिखाने का, कि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लेकर, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर स्टॉप मोशन बना सकते हैं। और दो तीन क्वेरीज थी जो मैंने चैट बॉक्स में देखी कि ऑडियो में ऑडियो को कैसे डिलीट करना है। तो आप जब ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही वो आपके फर्स्ट फ्रेम के ऊपर ऑडियो आती है जो आपकी वीडियो के साथ रन होती है। तो अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको डिलीट करना है तो इसके लिए आप फर्स्ट फ्रेम पर जाए, उसको सिलेक्ट करें, जब हम उसको सिलेक्ट क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। और फिर उस पर जब एडिटिंग ऑप्शन आते हैं, जब हम उस पर टैप करते हैं तो मैंने देखा था एक पॉपअप स्क्रीन आएगी जिसमें बहुत सारे एडिटिंग ऑप्शन आएंगे। तो उसमें जो ऑडियो वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आएगा। तो बाय डिफॉल्ट आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो रिकॉर्डेड ऑडियो है आपकी वो आपकी उस पर से डिलीट हो जाएगी। जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन के दौरान भी बताया था कि इस तरीके से ये ऑडियो ऑप्शन इसीलिए हमें इनेबल रखा गया था, मैंने यही बताया था, क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नली ऐड कर सकते हैं लेकिन रिकॉर्डेड जो हमने करी है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। साथ ही इसमें ये था कि आप जो ऑडियो है वो वीडियो के साथ नहीं जेल हो रही है, मतलब कि स्पीड का इशू है। तो ये आपको थोड़ा सा खुद से देखना पड़ेगा कि आप क्या बना रहे हैं, आपकी वीडियो की स्पीड क्या है। तो आपको नरे आप जो रिकॉर्डिंग के टाइम पे वो आपको खुद से ही उस चीज को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप अब आप मूवी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वॉइस नरेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी जो स्पीड है उसके लिए आपको खुद से अपनी वीडियो को देखकर उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको रिकॉर्ड करें तो आप एडिट कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल, आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी, डेमो वीडियो भी कर दी जाएगी। और जिन लोगों ने ये जो मैंने अभी वीडियो दिखाया था वो नहीं देखा है तो आपकी खोज के नाम से ये आप एनसीईआरटी के यूट्यूब चैनल में बीच बीच में वॉइस एडिट हो सकता है, नहीं वॉइस एडिट नहीं हो सकता है, वही मैं आपको बता रही थी कि ये बीच बीच में नहीं हो सकता, आपको एक बार में ही इसको ठीक से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के यूट्यूब चैनल पे आप इसको देख सकते हैं। और आपके कोई भी अगर डाउट्स हो, अब आप लोग खुद अपने बनाएंगे प्रोजेक्ट, हमारे पास टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, अदरवाइज पिक क्रॉप का ऑप्शन नहीं, पिक क्रॉप का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन लेकिन पेड में है। तो आपने देखा कि जब मैंने ये पिक्चर्स क्लिक किए तो एक बैकग्राउंड के साथ किए, तो आप भी इस तरीके से करिए कि आप एक बैकग्राउंड के साथ ही इसको कवर करके क्लिक कीजिए, सो दैट आपके लिए जितना मिनिमिस्टिक आप वो करेंगे आपको ज्यादा एडिटिंग में नहीं जाएंगे तो आपकी जल्दी बनेगी। तो ये एडिट ऑप्शन है लेकिन पेड में है, ये फ्री वर्जन में नहीं। और आप लोग अभी अगर किसी ने कुछ बनाया है तो हम देख सकते हैं 5 मिनट, अगर हम किसी ने कुछ बनाया है तो वो यहाँ शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये सब जो है आपको असाइनमेंट सबमिट करने का ऑप्शन दिया भी जाएगा, तो आप वहाँ असाइनमेंट जहाँ सबमिट करेंगे वहां भी कर सकते हैं, प्लस आप ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो देट ये होगा कि आपकी पीयर लर्निंग भी होगी, क्योंकि आपने अगर कुछ बनाया है तो हमारे पास इतने स्टेट के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं तो वो लोग भी देखेंगे, तो हम यहाँ पर पीयर लर्निंग भी कर सकते हैं। तो ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं सो दैट आपका देख के जो आपके पियर्स हैं उनको वो कुछ अच्छा या हो सकता है वो उससे कुछ बेहतर बनाए जो आपने सेशन में सीखा हो। तो ठीक है, किसी के आई गेस कोई डाउट नहीं है, चैट बॉक्स मैंने देख लिया है। तो अभी हम लंच के लिए फिर ब्रेक करते हैं, और अटेंडेंस जिन लोगों ने नहीं की थी वो उन्होंने कर दी होगी। आई होप आप सभी ने अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दी होगी। तो अभी हम लंच के लिए ब्रेक करते हैं और लंच के बाद भी आज हमारे बहुत इंटरेस्टिंग आज सेशंस हैं।